Tamsoma Jyotirgamaya. From darkness to light. Vidivat Deep Prajalan ke baad, अब अतिथिगण श्री राम भगवान श्री रामचंद्र जी का माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू तिलक करके श्री राम श्री लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती करते हुए रामलीला मंचन का आनंद लेने रावण दहन के कार्यक्रम को देखने लोग उपस्थित हैं और सुरक्षा के बहुत से इंतजाम यहां किए गए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सभी लोगों का भी ये दायित्व है कि जब भी वो अपने भक्त हनुमान के लिए बहुत प्रेरक है। श्री ब्रह्म सोनी जी और श्री अब आपके सामने रामलीला का भाई, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पाप हूं और मैं ही पुण्य हूं। तू मुझे नहीं मिटा सकता है, नहीं मिटा सकता है। लंकेश, तू अहंकार में अत्यधिक धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं हमारे उत्सव
नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए, कि कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी और कहती हैं कि सेतु के निर्माण का कार्य राष्ट्र के निर्माण का कार्य है और इसमें हम सब गैलरियां भी अपना योगदान देना चाहती हैं। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गैलरियों को अनुमति दी। वे सभी गैलरियां दी, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। यदि हम सब अपने हर काम और जिम्मेदारी को निष्ठा, ईमानदारी, प्रामाणिकता तथा इस बोध के साथ करें कि यह काम राष्ट्र हित के लिए है और प्रभु राम के जीवन आदर्शों के अनुरूप है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर काम राष्ट्र अब मैं आग्रह करूंगा अतुल गुप्ता जी से कि वो आकर माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक भरसा भेंट करेंगे, आए और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को एक तलवार भेंट करें। श्री महानंद जी, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जरूर लीजिए ताकि हम 2022 में अपने 75वें आजादी के दिवस तक कोई अच्छा काम सोच करके अपने देश के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब से, कृपया करके बड़ी शांति पूर्वक अपनी जगह पर स्थिर रहें। जहां जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। भारत के उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से हमें जोड़ते हैं, सामाजिक शिक्षा का माध्यम बनते हैं, जीवन में जो विकृति